सलाम नमस्ते, इंडियन फूड हट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटन कीमा कबाब। तो जिसके लिए हमें चाहिए, यहाँ पे हमने 200 ग्राम मटन का कीमा लिया है और 1 टेबलस्पून जीरा, आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टेबलस्पून हरी मेथी की भाजी जिसे हमने कट कर लिया है, और यहाँ पे है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून हरा धनिया कटा हुआ और अदरक लहसुन का पेस्ट है दोनों मिक्स किया हुआ, 1 छोटी चम्मच अदरक और 1 छोटी चम्मच लहसुन, ये दोनों हमने पीस लिया है। और यहाँ पे है हरी मिर्ची जिसे हमने क्रश कर ली है, वो है 1 टेबलस्पून, नमक स्वाद अनुसार, और ये है प्याज 2 मीडियम जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है और उसके बाद उसका पानी हाथ से दबा के नितार दिया है, और 1 अंडा और 2 कप ब्रेड क्रम लिया है और बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून। तो चलिए अब हम कबाब बनाएंगे। तो सबसे पहले एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, इसमें हम ये मटन का खीमा है वो डालेंगे। अब इसमें यहाँ पे हमने खीमा डाल लिया है इसमें, और जीरा इसमें डालेंगे और हरी मेथी की भाजी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हरा धनिया कटा हुआ और अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची है 1 टेबलस्पून। अगर आप ज्यादा तेज पसंद करते हो तो फिर कम ज्यादा कर सकते हो, और नमक है स्वाद अनुसार, और ये है कद्दूकस की हुई प्याज और इसका पानी नितार दिया है। गरम मसाला पाउडर, और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, अंडा है 1। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम ब्रेड क्रम डालेंगे। ब्रेड क्रम हमको जितनी जरूरत होगी इतना ही यूज करेंगे। इसे हम हाथ से अच्छी तरह से मिला लेंगे। बेकिंग पाउडर भी आप अपनी इच्छा के अनुसार 1 टीस्पून या फिर आधी टीस्पून डाल सकते हैं। इसमें हमने पानी नहीं मिलाया क्योंकि खीमे में पानी ऑलरेडी होता है और प्याज में भी थोड़ा सा पानी है, एक्स्ट्रा पानी हमने नितार के निकाल दिया था प्याज का। और चूल्हे पे हमने तेल ऑलरेडी गरम रख दिया है तलने के लिए,
ये कबाब को आप बना के कच्चे कबाब 15 दिन से महीने तक आप डीप फ्रीजर में रख के इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए हमने आटे की तरह ब्रेड क्रम्ब डाल के इसको मिला लिया है। बहुत सख्त भी नहीं है और बहुत नरम भी नहीं है। अब हम इसकी कबाब तैयार करेंगे। इस तरह से हाथ में ले लेंगे और इसे गोल बनाएंगे और इसे अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस करेंगे। आप इसे अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी शेप में आप बना सकते हैं। इसमें हमने हरी मेथी की भाजी डाली है, उससे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तेल हमने गरम रख दिया है। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे से कबाब डालेंगे और हल्का सुनहरा होने तक तल लेंगे। तेल गरम हो गया है, इसके बाद हमने इसकी आंच धीमी कर दी है। मेथी की भाजी डाली है, इस वजह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कच्चे कबाब बना के आप डीप फ्रीजर में रखिए और कभी भी बारिश के मौसम में या फिर कोई मेहमान आए तो आप तुरंत निकाल के इसे फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमने 5 मिनट फ्राई किया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हल्का सुनहरा हो गया है। और इसे धीमी आंच पे तली है, इसलिए अंदर में भी अच्छी तरह से पक गई है। तो ये देखिए हमारी कबाब तैयार हो चुकी है। इसे हम नींबू और प्याज के साथ परोस सकते हैं। अंदर में से भी बिल्कुल पक चुकी है, सॉफ्ट है, देखिए। तो आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी आप मुझे ज़रूर लिखिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक कीजिए और मेरे सब्सक्राइब बनिए। तो याद रखिए मेरा चैनल इंडियन फूड हट। अब हम अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।